मैं बुलाना चाहूंगी कांग्रेस के उस युवा चेहरे को जो राज्यसभा से सांसद भी हैं और नाम में प्रतापगढ़ी है लेकिन मुरादाबाद से गहरा नाता है, शेरो शायरी से गहरा नाता है। इमरान प्रतापगढ़ी जी, आप मंच पर आए। आपसे सवाल करने के लिए मेरी वरिष्ठ सहयोगी रोमाना इसार खान को मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी। ओवर टू यू रोमाना। बहुत शुक्रिया स्नेहा आपका। इमरान प्रतापगढ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुझे लगता है सबसे पहले बधाई दे देनी चाहिए आपको तेलंगाना के लिए, जो कमाल कर वहां पर आए हैं। जिन राज्यों में कांग्रेस को जीत मिली, सिर्फ एक तेलंगाना ही वो राज्य है जहां पर लाज कांग्रेस की बची, बाकी तो सुपड़ा साफ हो गया। मतलब बाय बाय KCR करके ही माने। हाँ, इसमें कोई दोहरा नहीं कि हमने तेलंगाना में एक बहुत शानदार जीत दर्ज की। बाकी राज्यों में सुपड़ा साफ नहीं कह सकते, हम अच्छा चुनाव लड़े। नतीजे थोड़े हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे, लेकिन वोट शेयर बहुत शानदार रहा है हमारा। और जब से चुनाव का रिजल्ट आया है, एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि सुपड़ा साफ हो गया, बिल्कुल एकदम कांग्रेस खत्म हो गई इन तीन राज्यों में। मैं नहीं मानता हूं, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। और मैं कांग्रेस के कार्यकर्ता हूं और देशवासियों को भी ये कहना चाहता हूं कि कहीं 2% का डिफरेंस है, कहीं 1.5% का, मध्य प्रदेश में तकरीबन 8% का, तो ये इतना भी, इसको मैं बुरी हार नहीं मानता हूं। हारे हैं हम, कहीं ना कहीं थोड़ा सा चुनावी मैनेजमेंट शायद करने में हम कमजोर रह गए। जनता ने हमें वोट दिया है। आप इस चुनाव में अगर देखें तो 4,81,00,000 वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला है, 4,90,00,000 वोट हमें मिला है। तो मैं मानता हूं कि इन चार राज्यों के नतीजे थोड़े उम्मीद के मुताबिक नहीं है, लेकिन इतने भी निराशाजनक नहीं है। लेकिन वो कहते हैं ना, आप तो शायर हैं, मेरी बात को और बेहतर तरीके से समझेंगे कि जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है जहां वोटों को तोला नहीं जाता, गिना जाता है। खैर, बिल्कुल गिना जाता है। वो परवीन शाकिर का एक शेर है कि मलाल है मगर इतना मलाल थोड़े है, ये आंख रोने की शिद्दत से लाल थोड़े है। मजा तो तब है कि हम हार कर भी हंसते रहे, हमेशा जीत ही जाना कमाल थोड़े है। तो कहीं ना कहीं एक चूक हुई है, वो आत्म परीक्षण करना है, समीक्षा करना है, पार्टी के वर्कर्स को और मोटिवेट करना है और एक नई लड़ाई के लिए सबको तैयार रहना है। हमने तेलंगाना जैसा राज्य जीता है, उसका जश्न मनाना है। बिल्कुल बिल्कुल, उसका जश्न मनाना है। उस मोर्चे पर भी मैं आऊंगी, लेकिन क्या इमरान प्रतापगढ़ी ने मंथन किया कि बाय बाय मामा या बाय बाय शिवराज भी कर देते आकर, बाय बाय KCR जो किया और वो जो हिट हुआ, तो अब तो वाकई में आपने उनको रवाना कर दिया है, तो एक बार जरा हो जाए वो बाय बाय KCR। एक्चुअली पार्टी जहां आपको जिम्मेदारी देती है आप वहां जाके काम करते हैं। मुझे तेलंगाना में जिम्मेदारी मिली, मैंने अपना 100% वहां देने की कोशिश की। मुझे राजस्थान में 7 सीटों पे प्रचार के लिए पार्टी ने 2 दिन भेजा, उसमें मैं 7 सीट पे प्रचार करने गया और मैं मानता हूं कि वो 7 की 7 सीटें हम जीते हैं। तो हाँ, मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है। बस यह है कि मुझे भी मलाल है कि मैं और सीटों पे प्रचार करने क्यों नहीं जा सका। मध्य प्रदेश में 2 सीट पे जा पाया, 1 दिन मुझे मिला, उसमें 1 सीट हम तकरीबन 30,000 वोट से जीते हैं और 1 सीट पे दूसरे नंबर पे रहे। तो काश मैं और जगहों पे जा पाता और शायद और बेहतर कर पाता। इंतजार बढ़ रहा है तेलंगाना में। जो तेलंगाना में जो मैंने नारा दिया वो बहुत पॉपुलर हुआ और वो नज्म बहुत पॉपुलर हुई। मैं वो सुना देता हूँ कि जो चरित्रार्थ हुई, मुझे खुशी है कि वो एक नज्म जो नारा बन गई कि अब तो तेलंगाना की है यही पुकार, बाय बाय KCR, बाय बाय KCR, बंद करो झूठ का ये अपना कारोबार, बाय बाय KCR, बाय बाय KCR। हम चुनावी मुहिम में होते हैं तो हम जिस आरोप प्रत्यारोप की बात करते हैं उसे अगर हम कविता और शायरी के जरिए कहते हैं तो आवाम के दिलों तक ज्यादा बेहतर तरीके से पहुंचती है कि लूट लिया तुमने ये पूरा तेलंगाना, झूठ मूठ का अब बनाओ ना बहाना, आपके ये सारे माला माल हो गए सब तेरे रिश्तेदार, बाय बाय KCR, बाय बाय KCR। और इनकी अंतिम पंक्तियां थी कि अब नहीं चल पाएगी मोदी जी से यारी, तुम नहीं निभा पाए अपनी जिम्मेदारी, आपकी ये कार अब तो हो गई बेकार, बाय बाय KCR, बाय बाय KCR।
ये कविता थी जो वहां पर बहुत सुनी गई, बहुत लोगों ने इसको लेकिन इमरान नारे की तरह इस्तेमाल किया। केसीआर के वो यार उवैसी साहब उनके सामने दाल नहीं गल पाई, क्यों? नहीं, आप समीक्षा करिए, आपको समझ में आ जाएगा कि बिल्कुल दाल गली। दरअसल तेलंगाना का जो पूरा चुनावी गणित है वो ये है कि केसीआर पूरे प्रदेश की मुस्लिम वोटों की ठेकेदारी दे देते हैं ओवैसी साहब को। ओवैसी साहब अपने प्रत्याशी तेलंगाना में 9 सीट, उत्तर प्रदेश में 100 सीट, तो इस गणित को समझने की जरूरत है। तो तेलंगाना में वो 9 सीट पर चुनाव लड़ रहे थे और बाकी ठेकेदारी केसीआर ने ओवैसी साहब को दी थी कि आप बीआरएस के खाते में पूरा वोट ला करके डालिए। लेकिन आपको जान के हैरत होगी कि पूरे तेलंगाना में अकलियतों ने खास तौर से कांग्रेस पार्टी को झोली भर के वोट दिया है, इसी वजह से सरकार बनी है, वो वोट ऐड हुआ है, इसी वजह से सरकार बनी। बीआरएस का अकेला माइनॉरिटी का जो कैंडिडेट था बोधन से, अंतिम दिन मैंने वहां जनसभा की है, आमिर शकील, वो चुनाव हारे और कांग्रेस पार्टी के सुदर्शन रेड्डी वहां से चुनाव जीते। तो आप उस गणित को समझिए। जुबली हिल्स, जहां सुबह शाम असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अजहरुद्दीन के खिलाफ कोशिश की, आपने अपने कैंडिडेट उतारे, उसको 10,000 वोट भी नहीं मिला, जबकि वो उनके वहां पे 2 कॉरपोरेटर हैं। लेकिन अजहरुद्दीन तो हार गए ना? हाँ, चुनाव हार गए, लेकिन नामपल्ली जहां मतलब नाकों चने चबाने पड़े, 2,000 वोट से हमारा प्रत्याशी हारा, सिर्फ 2,000 वोट से। तो हमारा प्रदर्शन पुराने हैदराबाद में भी बहुत सुधरा है, वहां बोगस वोटिंग एक बहुत बड़ी समस्या है और मुझे पूरा यकीन है कि सरकार बन रही है, हम अगले चुनाव में उस समस्या को दूर कर लेंगे और आपको यह समझ में आएगा कि जिसे अपना गढ़ बताया जा रहा है वो गढ़ भी नहीं बचेगा, ये हम वादा करते हैं तेलंगाना की आवाम से। तो इस चुनाव से आपने क्या, आपको लगता है कि जो असदुद्दीन ओवैसी हैं और जो उनकी राजनीति है उसको बेनकाब किया? क्योंकि पैदल करते तो आप उनको नजर आए, गली गली ओवैसी साहब हैदराबाद में पैदल गलियों में घूमते खूब नजर आए। हाँ बिल्कुल, उन्हें घूमना पड़ा। देखिए, मैंने अपने भाषणों में एक बात कही कि मैं तेलंगाना और खासतौर से नामपल्ली जुबली हिल्स की आवाम का शुक्रिया अदा कर रहा हूं कि आपने ये स्थिति ला दी है कि बुरहानपुर, जबलपुर, इंदौर, राजस्थान में कैंडिडेट देने के बावजूद प्रचार करने नहीं जा पा रहे हैं। ये हुआ है हैदराबाद की वजह से, तेलंगाना की आवाम। मैंने वहां जाके एक ही बात कही थी कि आपने छोड़ दिया है, खुला छोड़ दिया है, पूरे देश में जाओ वोटों का बंटवारा करो, आग को पानी का डर बना रहना चाहिए। हैदराबाद की आवाम ने इस बात को माना और उन्होंने आग को पानी का डर बताया कि नहीं, आपको गलियों में घूमना पड़ेगा। ठीक है, तो यही वजह है कि जबलपुर नहीं जा पाए, वो बहुत मुश्किल से कुछ सभाएं, 2-3 सभाएं वो राजस्थान में कर पाए। तो ये गणित भी समझने की जरूरत है कि गोशा महल में प्रचार नहीं किया अकबरुद्दीन ओवैसी ने, लेकिन हवा महल में आके प्रचार किया और उसका दुष्परिणाम ये रहा कि हवा महल से जो विधायक जी जीते हैं राजस्थान से, वो जीतते ही सबसे पहले उन्होंने शपथ भी नहीं ली और पूरे हवा महल में और राजस्थान के जयपुर की सड़कों पे निकल पड़े वो दुकानें बंद कराने के लिए कि नॉनवेज नहीं खाने देंगे, ये नहीं कर देंगे। तो देश को ये भी समझने की जरूरत है कि वहां अकबरुद्दीन ओवैसी ने आके प्रचार किया था, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने सभाएं की थी, लेकिन उनको कैंडिडेट को कितने वोट मिले? 600 वोट, और लगभग इतने ही वोट से भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधायक जो अभी जीते हैं, जिन्होंने परसों उत्पात मचाया था। तो यह गणित भी देश को समझने की जरूरत है और यह गणित जब देश समझ लेगा तो असदुद्दीन ओवैसी साहब और नरेंद्र मोदी जी के बीच की जो नूरा कुश्ती है वो समझ में आ जाएगी। तो मतलब जब आप कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी का ये गणित देश समझ लेगा तो शायद आप मुस्लिम वोटर का जिक्र करते हैं जिसको लेकर आप सिर्फ ये... मुस्लिम वोटर नहीं, रोमाना जी, मैं सिर्फ मुस्लिम वोटर की बात नहीं कर रहा। देखिए, उनका इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी सिर्फ मुस्लिम वोटों के बंटवारे के लिए नहीं करती, रिवर्स पोलराइजेशन के खेल में शामिल है वो जाके मुस्लिम वोट नहीं काटते हैं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के वोट को एकजुट करते हैं। वो वोटर जो मुद्दों पर वोट देना चाहता है, वो वोटर जो अपनी लोकल समस्याओं पर वोट देना चाहता है, उसके सामने एक बड़ी समस्या लाके खड़ी कर दी जाती है कि अरे रे रे, ये तो नारे लग रहे हैं उनकी सभाओं में, नारे तकबीर के, तो उसके बदले में दूसरी तरफ जो नारे लगने शुरू होते हैं, ये 85 और 15 का जो खेल है, इस खेल को कोई और समझे ना समझे, कम से कम इमरान प्रतापगढ़ी समझता है। और मैं इसके खिलाफ देश में लगातार आवाज उठाऊंगा, वो चुनावी मंच हो या चुनाव के बाहर का कोई मंच हो, मैं इस खेल को बेनकाब करूंगा क्योंकि ये खेल देश का नुकसान कर रहा है।
लेकिन इमरान प्रतापगढ़ी साहब, आपने जिस तरीके से तेलंगाना में प्रचार किया, उसके बाद आपने खुद ही कहा कि जो मुस्लिम वोट एक तरीके से जिसको ओवैसी साहब की पार्टी अपनी बपौती मानती थी तेलंगाना में, उनसे छिटक कर, ठीक है वो 7 सीटें जरूर जीते, लेकिन अन्य सीटों पर जो बीआरएस के पास चला जाता था वो कांग्रेस के पास आया। कमोबेश यही स्थिति हमने कर्नाटक में देखी, वहां पर भी जो मुस्लिम वोट था वो क्षेत्रीय दल से छिटक कर, जेडीएस से हटकर कांग्रेस के पाले में आया। तो अब आगे, और आगे जिन राज्यों का मैं नाम ले रही हूं वो उत्तर प्रदेश है, वो बिहार है, जहां पर कहने को जो क्षेत्रीय दल हैं वो गठबंधन में आपके साथी हैं, तो फिर क्या होगा? मुस्लिम वोट को लेकर कांग्रेस की रणनीति क्या होगी? नहीं, आप सिर्फ देखिए, कांग्रेस पार्टी एक पर्टिकुलर किसी भी धर्म की, किसी भी एक समाज की राजनीति नहीं करती है। हम सबको साथ लेकर के चलने की बात करते हैं। हाँ, अलग अलग समाजों के वोट का अपना एक महत्व है और उसको लेकर के हर पार्टी अपनी एक रणनीति बनाती है। तो हम जहां गठबंधन में हैं, इंडिया अलायंस जहां पे फॉर्म है और वो लगातार चल रहा है, उसके जो घटक दल हैं, हम जाहिर सी बात है जब उनके गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे तो उसको लेकर के हमारी रणनीति दूसरी होगी। वो स्वाभाविक सी बात है। क्या होगी रणनीति? हमारी कोशिश ये होगी कि वो अकलियतों के वोट हों, वो अक्सरियत के वोट हों, सारे वोट जो संविधान बचाने और लोकतंत्र बचाने की कोशिश कर रहे हैं, हम उस तमाम वोट को एकजुट करने की मुहिम चलाएंगे। और हमारे भी लोग और जिस घटक दल के साथ हम चुनाव लड़ रहे होंगे जिस राज्य में, चाहे वो उत्तर प्रदेश में सपा हो या फिर आरजेडी हो या फिर टीएमसी हो, जो भी घटक दल हैं, जेडीयू हो, हम सबके साथ कोशिश करेंगे कि हम मिलकर के संयुक्त रूप से प्रयास करें। इससे रिवर्स पोलराइजेशन का खतरा नहीं होता है? रिवर्स पोलराइजेशन का खतरा सिर्फ जब लड़ाई नहीं, देखिए जब लड़ाई संविधान और लोकतंत्र की बातों पर आ जाती है, जब मुद्दा लोकतंत्र होगा, संविधान होगा, तो फिर इसका, इसके रिवर्स अगर कोई पोलराइजेशन हो रहा है तो वो फिर इसी बात का हो रहा है कि जो संविधान के खिलाफ हैं वो पोलराइज हो रहे हैं। तो उस वो होते रहें, उनके होने से तो फिर आप अपनी लड़ाई थोड़ी छोड़ देंगे। आपको तो लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए लड़ना है ना, वो उससे डर करके तो आप घर नहीं बैठ सकते ना, सीधी बात। वैसे 24 में होने क्या वाला है? क्योंकि आपसे पहले यहां पर जो मेहमान आए थे वो बीजेपी के सांसद थे रवि किशन जी, और वो बड़े चुटीले अंदाज में, मतलब जिस अंदाज के लिए रवि किशन जाने जाते हैं उसी अंदाज में वो कहकर गए। उनसे पूछा गया कि साहब राहुल गांधी को आप चुनौती मानते हैं? उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल चुनौती मानता हूँ, अब से 25-30 साल बाद राहुल गांधी को वो चुनौती मान रहे हैं। अच्छा, उनसे इंडिया गठबंधन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा इंडिया गठबंधन, हाँ बैठक होनी थी तो वो हो तो नहीं पाई, अब शायद किसी पेड़ के नीचे मिलेंगे, उसके बाद चाय की टपरी पर मिलेंगे। तो मतलब ये चल क्या रहा है? हास्य कलाकार इस तरह की बातें ना करें तो उनकी प्रासंगिकता क्या रह जाएगी? कलाकार हैं वो, माननीय सांसद, माननीय सांसद हो जाना अलग बात है लेकिन आर्टिस्ट थोड़ी मर जाएगा। मैं माननीय सांसद हो गया हूं तो शायर तो हूं ही ना, तो मैं तो रहूंगा ही। आपको रवि किशन जी के 5-7-10 साल पुराने वीडियो भी उठा के देखने चाहिए जिसमें वो राहुल जी के लिए, गांधी परिवार के लिए ऐसे ऐसे शानदार शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं कि आपको लगेगा कि कोई भोजपुरी का एकदम बहुत शानदार लेखक बात कर रहा है, बड़ी प्रशंसा कर रहे थे वो। तो वो तो ठीक है, आपने बोर्ड लगा रखा है मोदी जी की गारंटी, और मोदी जी की जो गारंटी है वो ठीक है, उस गारंटी पे भी उन्होंने 3 राज्य जीता ऐसा देश बताना चाहता है, ऐसा मीडिया भी देश के सामने बताना चाहता है कि मोदी की गारंटी पे 3 राज्य उन्होंने जीते। तो वरना तो कैसे जीते? मैं ये कह रहा हूं, नजरिया क्या? नहीं नहीं, देखिए मैंने कहा ना, चुनाव बहुत सारी चीजों से, हर वफा जिंदा जावेद नहीं होती है, दिल का हर जख्म कहीं दिल का कमल बनता है, जब शहनशाह भी हो, इश्क भी हो, दौलत भी, तब कहीं जाके कोई ताजमहल बनता है। तो मसला यह हुआ कि चुनावी प्रबंधन में हम हार गए। चिरंजीवी जैसी योजना के बाद कौन सी गारंटी? मैं हेल्थ कमेटी में हूं, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी। आप विश्वास करें कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनऑफिशियल जब बैठते हैं औपचारिक मुलाकात में तो ये कहते हैं कि चिरंजीवी योजना जैसी योजना पूरे देश में कोई है ही नहीं। तो अब उस गारंटी पे भी अगर वोट नहीं मिल रहा है तो 450 रुपए की गैस सिलेंडर की गारंटी जो मोदी जी ने राजस्थान में दी, अगर आपको लगता है कि उसकी वजह से वोट मिला तो आपकी गलत फहमी है। अगर 450 की गारंटी प्रधानमंत्री जी राजस्थान में दे रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में तो सरकार है ना, दे दीजिए 450 में। उत्तर प्रदेश के बाहर असम में सरकार है, गुजरात में सरकार है, पूरे देश में आपकी सरकार है, दे दीजिए 450। एक सामान्य बात ना, मेरी बात भी सुनिए ना, कि 450 के सिलेंडर पे अगर वोट मिला तो प्रधानमंत्री जी पूरे देश में 450 का सिलेंडर घोषित कर देना, कल कर दे, कौन रोक लेगा, सब स्वागत करेंगे। लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। दरअसल हाथी के दांत कुछ और हैं, खाने के कुछ और हैं, दिखाने के कुछ और हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस ध्रुवीकरण की राजनीति करती है, दरअसल उसको मंचों पे कहना नहीं चाहती, उसके लिए वो गारंटियों का सहारा लेती है कि हमने ये गारंटी दी इसलिए हमें जनता ने वोट किया। नहीं,
ध्रुवीकरण करने के प्रयास किए। प्रधानमंत्री जी के खुद के भाषण उठा के देख लीजिए, इनके सारे मुख्यमंत्रियों के भाषण उठा के देख लीजिए, जो गारंटी दी उसका परिणाम राजस्थान में दो दिन से दिख रहा है ना। कल जिस तरह से एक जघन्य हत्या हुई है करनी सेना के एक नेता की, वो कितनी शर्मनाक है। ये क्या ये गारंटी थी आपकी? ये गारंटी थी कि आपका एक विधायक जो है वो शपथ लेने से पहले निकल पड़ेगा सड़क पर और मोरल पुलिसिंग करेगा, जो काम अधिकारियों को करना था वो आपका विधायक करेगा? इस चीज की गारंटी तो आपने नहीं दी थी ना। लेकिन ये कर रहे हैं आपके नेता, आपके लोग, आप जिस राज्य में आपकी सरकार बन चुकी है। इतनी आज आज के दिन की स्थिति क्या है? उदयपुर हो, हाँ। आज की स्थिति है कि जयपुर मेरे ख्याल से जल्दबाजी हो जाएगी, क्योंकि अभी नई सरकार ने शपथ नहीं ली है। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं, कानून व्यवस्था को लेकर अभी से अगर देर क्यों हो रही है में खड़ा करें, देर क्यों हो रही है? भारतीय इतना प्रचंड बहुमत मिला है, देर क्यों हो रही है? राजे उधर वसुंधरा राजे जी आंख दिखा रही है, देर क्यों हो रही है? शिवराज जी एकदम दंडवत है, शरणागत है, देर क्यों हो रही? अभी तक कांग्रेस जीती होती और कांग्रेस में देर हो रही होती। आज कल अगर रेवंत रेड्डी को मुख्यमंत्री ना घोषित कर दिया होता कांग्रेस पार्टी ने, तो कल आप आज आपके यहाँ कार्यक्रम चल रहा होता। लेकिन आप इस सवाल का जवाब तो कोई कार्यक्रम नहीं चलता। आप इस सवाल का जवाब तो दीजिए ना कि आखिरकार दिखता तो ये भी है कि मोदी से लोगों को जो मोहब्बत है, मोदी से लोगों को जो मोहब्बत है, जो वोटर्स के जरिए नजर आती है, उसके आगे राहुल गांधी की जो मोहब्बत की दुकान है वो तो नहीं चल पा रही है उत्तर भारत। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, बड़ी पढ़ी लिखी बात करूंगा। आपको लगता है कि मोहब्बत की गारंटी पे वोट मिलता है? तो फिर तो राहुल गांधी ने 4,000 किलोमीटर पैदल यात्रा की, उससे बड़ी मोहब्बत की गारंटी क्या हो सकती थी? मोहब्बत के नाम पे वोट तो मिल रहा है। मैं तो चुनाव मतलब मैं राजनीति में नया हूं, 4 साल से राजनीति में हूँ। राहुल गांधी तो पुराने हैं ना, मोहब्बत के नाम पर वोट नहीं मिलता तो फिर मोहब्बत की दुकान चुनावी राजनीति में इसका जिक्र क्यों करते हैं? मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, राहुल गांधी जी के मोहब्बत की बुनियाद पे ही 4,90,00,000 वोट मिले हैं ना। 4,90,00,000 वोट मिले हैं, भाजपा से 10,00,000 वोट ज्यादा मिले हैं हमें। हाँ, लेकिन गणित में हम कहीं ना कहीं चूक गए। आप उस चूक पर आप विपक्ष यानी कांग्रेस की सारी चुनावी मतलब जो भी जीत है या चुनावी जो भी हमें हासिल हुआ है उसको मटिया मेट करके सिर्फ भाजपा की मतलब एक आदमी को इतना बड़ा बना दो कि बस उसके मुकाबले तो कुछ है ही नहीं। ऐसा नहीं है, दे रहे हैं आप, ऐसा नहीं। आप आइए और अपनी बात रखिए, आप रख रहे हैं ना। मैं आपको यही कह रहा हूं ना कि मोहब्बत की गारंटी या आप लोग मोदी जी से बहुत मोहब्बत करते हैं, इस मोहब्बत करवाने में सुबह शाम दिन भर में मीडिया जो योगदान कर रहा है वो एक बड़ी गारंटी है। हम तो आपको भी मंच दे रहे हैं। आप बता दीजिए 24 में, आप बता दीजिए 24 के लिए राहुल गांधी से लोग मोहब्बत करें, इसके लिए आपके पास क्या है? राहुल गांधी से लोग बहुत मोहब्बत करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। क्यों करेंगे लोग मोहब्बत? क्यों नहीं करें? एक कारण बता दीजिए क्यों नहीं करें। आप मुझे बता दीजिए, कारण बता दीजिए। मैं चैलेंज कर रहा हूं कि राहुल गांधी जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति, राहुल गांधी जैसा शरीफ आदमी, राहुल गांधी जी जैसा संभ्रांत व्यक्ति, विजनरी आदमी, हाँ। आपको मैं एक बहुत छोटी बात बता रहा हूँ। बीजेपी तो कह रही है 24 के लिए हैट्रिक तैयार है। बीजेपी तो कहेगी, बीजेपी हाँ। कह रही है, लेकिन हम भी ये कह रहे हैं, अगर बीजेपी को लगता है कि हाँ हैट्रिक तैयार है तो इंडिया अलायंस के नाम पे इतना परेशान क्यों है? कि इंडिया अलायंस को इंडिया शब्द से तकलीफ हो गई है, इंडिया नहीं बोलते, इंडी बोलते हैं। तो 24 में कौन सा नारा चलेगा? 24 में बाय बाय केसीआर की तरह 24 में कोई नारा है? देखिए, नए नारे भी निकल के आएंगे, नई तरह से लड़ाई भी लड़ी जाएगी। ऐसा नहीं, हमने हथियार नहीं डाल दिए कांग्रेस पार्टी ने। कुछ सुना दीजिए, मुझे ब्रेक पर जाना है 24 के लिए। देखिए फॉरवर्ड लुकिंग, देखिए हमें सीधे सीधे प्रधानमंत्री जी की जो मौजूदा रणनीतियां हैं जिनपे आपको लगता है कि उन्होंने चुनाव जीत लिया है, वो विधानसभा के चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं, इसमें कोई दोहरा नहीं। हम लोकसभा के चुनाव के लिए राष्ट्रव्यापी एक मुद्दा लेकर के जनता के सामने आएंगे, ठीक है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम इस चुनाव को जीतेंगे। हम मोदी जी से लगातार ये कह रहे हैं कि आपने जो झूठे जुमले दिए हैं देश को, वो झूठे जुमले अपने पास रखिए। मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, हमें ऐसा करो साहेब पुराने दिन ही लौटा दो। हम पुराने दिन लाने के लिए लड़ेंगे, वो पुराने दिन जिसमें चीजें सस्ती थी, जहां मोहब्बत भी थी, जहां हिंदू मुसलमान सिख ईसाई दलित बौद्ध सब एक साथ बैठ करके इस तरह की जो आज का जो मंजर है वो मंजर नहीं हुआ करता था। हम उस मंजर के लिए लगातार कोशिश तो करें। ये वो नैरेटिव जिसको लेकर 24 चुनाव में कांग्रेस आगे बढ़ेगी। 24 के लिए नए नारे लेकर के आएंगे आपके पास, अभी तो बाय बाय केसीआर को ही एंजॉय कर रहे हैं हम। जिसमें गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी और कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता के खिलाफ कांग्रेस लड़ाई वाली जो बात है अपनी, उसी को जारी रखेगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया इमरान प्रतापगढ़ी साहब एपीपी न्यूज के इस मंच पर आने के लिए।